शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 24। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 24। दाऊद का अपनी प्रजा को गिन लेना और इस पाप का दंड भोगना और पाप मोचन पाना। और यहोवा का कोप इसराइलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को इनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा कि इसराइल और यहूदा की गिनती ले। सो राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बेरशेबा तक रहने वाले सब इसराइली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने ही क्यों न हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों चाहता है? तो भी राजा की आज्ञा योआब और सेनापतियों पर प्रबल हुई। सो योआब और सेनापति राजा के सन्मुख से इस्राएली प्रजा की गिनती लेने को निकल गए। उन्होंने यर्दन पार जाकर अरोएत नगर की दहिनी ओर डेरे खड़े किए जो गाद के नाले के मध्य में और याजेर की ओर है। तब वे गिलाद में और तहतीम नोदशी नाम देश में गए, फिर दान्यान को गए और चक्कर लगाकर सिदोन में पहुंचे। तब वे सोर नाम दृढ़गढ़ और हिब्बियों और कनानियों के सब नगरों में गए और उन्होंने यहूदा देश की दक्षिण दिशा में बेरशेबा से दौरा निपटाया और सब देश में इधर उधर घूमकर वे 9 महीने और 20 दिन के बीतने पर यरूशलेम को आए। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ राजा को सुनाया और तलवार चलाने वाले योद्धा इसराइल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकले। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ और दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, तो अब हे यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। बिहान को जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह वचन गाद नाम नबी के पास जो दाऊद का दर्शी था पहुंचा कि जाकर दाऊद से कह कि यहोवा यो कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। सो गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े व 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे व तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे? अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। तब यहोवा इसराइलियों में बिहान से ले ठहरा हुआ समय तक मरी फैलाए रहा और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। और यहोवा का दूत उस समय अरौना नाम एक यबूसी के खलिहान के पास था। तो जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैंने ही किया है और कुटिलता महीने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है? सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरौना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। सो दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। जब अरौना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा तब अरौना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की।
और अरुणा ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलिहान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि यह व्याधि प्रजा पर से दूर की जाए। अरुणा ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे सो लेकर चढ़ाए। देख, होमबलि के लिए तो बैल है और दावने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरुणा ने राजा को दे दिया। फिर अरुणा ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न होए। राजा ने अरुणा से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम लेकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंटमेंट के होमबलि नहीं चढ़ाने का। सो दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया और दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होमबलि और मेलबलि चढ़ाए और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह व्याधि इसराइल पर से दूर हो गई।